हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल क्विकर स्टडी में। मैं कमल बिष्ट इस वीडियो के माध्यम से आपको एंगल रिलेटेड कुछ क्वेश्चनों को बताऊंगा दोस्तों, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं और हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। और हाँ दोस्तों, यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए। तो दोस्तों, आप यहाँ पर देख रहे हैं कोणों पर आधारित प्रश्न। तो फर्स्ट वाला हमारा जो है क्वेश्चन हमें दिया है, हमें एक चाप दिया है 3.14 सेंटीमीटर का और हमें त्रिज्या निकालनी है इसकी, इस सर्किल की। और ये थीटा हमें जो है केंद्र पर बनने वाला कोण दे रखा है π/3। तो इस तरह से आप इसको फिगर के अकॉर्डिंग इस तरह देख सकते हैं, एक सर्किल है और इसकी यहाँ पे ये चाप मान लीजिए लेंथ L है इसकी, और एक सेंटर पे जो है π/3 का एंगल बना रहा है और हमें इसकी रेडियस को निकालना है। तो इस रेडियस को निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जब हमें एंगल दिया हो और हमें आर्क लेंथ दी हो, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हमने अभी फॉर्मूला जो है सर्किल की पिछली वीडियो में पढ़ा था कि हमारा जो है एंगल थीटा इक्वल टू होता है L/R। तो इसी फॉर्मूले का यूज करेंगे हम यहाँ पे, ये फॉर्मूला काफी इंपॉर्टेंट है। तो इसे हम जो है निकाल लेंगे, हमें रेडियस निकालनी है, तो रेडियस इक्वल टू क्या हो जाएगा इसके, L/θ। तो ये हो जाएगा, और हमें जो है यहाँ पे दिया है आर इक्वल टू, वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पे 3.14/, इसकी हमारे पास है π/3 और हमें पता है पाई की वैल्यू जो है अप्रोक्सीमेटली हम वो 3.14 रख सकते हैं / 3। तो इस तरह से जो है 3 ऊपर चला जाएगा, 3/, इससे कट जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा और हमारा जो है यहाँ 1 आ गया। तो इतना सेंटीमीटर हमारी जो है रेडियस आ गई। तो इस सर्किल की रेडियस हमारी जो है 3 सेंटीमीटर आ गई। तो इस तरह से हम इस फॉर्मूले का यूज करके इजीली इस तरह के क्वेश्चन को फाइंड आउट कर सकते हैं, और भी इस तरह के अदर एग्जाम्पल को लेके, जिनमें हमें यदि हो सकता है ये दो चीज़ें दी हों, हमें आर्क लेंथ और रेडियस दी हो और निकालना हो थीटा, या हमें ये दे दिया गया हो कि रेडियस ये है और एंगल ये है, हमें निकालना हो एल। तो इस तरह से हम कोई भी अननोन क्वांटिटी को इस फॉर्मूले के हैंड से निकाल सकते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, नेक्स्ट टाइप के। देखिए दोस्तों, हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हमें दो एंगल दे रखे हैं θ1 एंड θ2, जो 65 और 110 के हैं। ये दो सर्किलों में बनने वाले जो है एंगल हैं, और हमें कहा गया है कि इनकी दोनों की जो है जो चाप की लंबाई है वो समान है, और हमें इनमें त्रिज्याओं के अनुपात निकालने हैं, इनकी रेडियस का रेशियो निकालना है। तो हमें यहाँ पे सबसे पहले जो है हमें एंगल जो है डिग्री में दे रखे हैं, और हमें जो है सर्किल के रेडियस के अनुपात निकालने के लिए हमको इनको पहले रेडियन में चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि हमारा इसमें भी फॉर्मूला लगेगा, यही वाला फॉर्मूला लगेगा θ=L/R, और इसके लिए हमें जो है एंगल को रेडियन में चेंज करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं θ1 हमें दिया है 65 डिग्री, और इसको हम रेडियन में चेंज करेंगे तो π/180 × 65 इक्वल टू हमारा आ जाएगा 13.36 π रेडियन में आ गया हमारा। और वैसे हम θ2 को भी चेंज कर देंगे, 110 है इक्वल टू π/180 × 110 इक्वल टू 11π/18। अब देखिए दोस्तों, इसको हम जो है इन दोनों को यहाँ पे नीचे डिनोमिनेटर को सेम करने के लिए ऊपर नीचे 2 से उल्टा कर देते हैं, तो यहाँ पे 22/36 लिख देते हैं π रेडियन, क्योंकि हमने 2 का ऊपर नीचे गुणा कर दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। लेकिन यहाँ पर हमारा जो अनुपात निकालते समय ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, इसे इजी पड़ जाएगा थोड़ा। अब हमें जो है क्या निकालना है, इनकी त्रिज्याओं का अनुपात। तो हम यहाँ पर फॉर्मूला लिखते हैं, हमारे पास जो होता है इनकी दोनों की हमें दिया है कि दोनों की जो है आर्क लेंथ L1 और L2 जो है बराबर हैं, ये बराबर हैं। तो हम L1 के लिए फॉर्मूला लिखेंगे, देखिए L1 इक्वल टू R1 θ1, और वैसे L2 इक्वल टू R2 θ2, और हमें दिया गया है कि ये दोनों बराबर हैं, तो हम लिख सकते हैं, वी कैन रिटन है दियर फोर R1 θ1 इक्वल टू R2 θ2। तो ये होता है। अब हमें यहाँ पे इस थीटा को इधर डाल दीजिए और इस R2 को इधर ले आइए, तो हमारा आ जाएगा, देखिए
आर वन अपॉन आर टू, हम इस आर टू को इधर ले आए और इस थीटा वन को इधर डाल दिया हमने, थीटा टू के नीचे आ जाएगा थीटा वन, ये आ गया। और अब हम क्या करेंगे, थीटा टू और थीटा वन की वैल्यू को पुट कर देंगे यहाँ पर बस, तो हमारा आंसर निकल जाएगा थीटा टू और थीटा वन की वैल्यू जब हम पुट करेंगे, देखिए यहाँ पे 13π/36 और यहाँ पे 22π/36, तो पाई और पाई कैंसिल आउट हो गए और 36 और 36 कैंसिल आउट हो गए, तो इस तरह से हमारा जो तो रेशियो आ रहा है, ऊपर हमारा थीटा टू है तो थीटा टू हम ऊपर रखेंगे, देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे थीटा टू ऊपर है तो 22 पहले आएगा ऊपर और नीचे आएगा 30, तो इस तरह से आ गया और हमारा जो है फाइनली रेशियो आ गया यहाँ पे। अभी हम आर वन अपॉन आर टू को क्या लिख सकते हैं, आर वन रेशियो आर टू भी लिख सकते हैं इक्वल टू 22:13, तो ये हमारा इस तरह से आंसर निकल गया। तो हमने यहाँ पे इस तरह का यहाँ पे फॉर्मूले का यूज करके और जैसे कह रहा है उसके अकॉर्डिंग, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम लेते गए तो हमारा जो है इजीली आंसर आ गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं दोस्तों, नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन। अब देखिए दोस्तों, ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन हैं जो एंगल से रिलेटेड हैं। यहाँ पर हमें कॉस इतना डिग्री में दे रखा है और यहाँ पर हमें निकालना है कितना होगा अगर ये एंगल, वैसे ये निकालना है वैसे ये निकालना है, तीन क्वेश्चन दिए हमें। तो हम फर्स्ट वाले क्वेश्चन को फोकस करते हैं। यहाँ पर हमें इस तरह का जब भी क्वेश्चन आएगा, ध्यान दीजिएगा, हर बार वही करना पड़ेगा आपको, इस तरह का जब क्वेश्चन आएगा आपको यहाँ पर माइनस है तो आप इसमें 360 को 360 या उसका मल्टीपल ऐड कर देंगे, और उसका मल्टीपल कौन सा लेंगे, इसके जो नियर नियरेस्ट आए उसको लेंगे आप, उसको ऐड करेंगे। क्योंकि 360 हम क्यों लेंगे, देखिए दोस्तों, क्योंकि 360 हमारा जो है घूमने पर, जब हम कभी भी 360 घूमते हैं तो उससे हमारा जो है वैल्यू पर कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे मैं यहाँ पे इस पॉइंट पर हूँ, मैं इस बिंदु पर हूँ, इस बिंदु पर हूँ मैं, और यहाँ से मैं 360 घूमता हूँ तो मैं फिर से यहाँ पर ही पहुँचूंगा और 360 घूमूंगा फिर से यहाँ पर पहुंचूंगा, अर्थात इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं आता है। तो 360 जो है हमारा मान में कोई परिवर्तन नहीं लाता, इसलिए हम इसको जोड़ें या घटाएं तो हमारा जो है इस एंगल की वैल्यू पर फर्क नहीं पड़ेगा। हम इसी प्रॉपर्टी का यूज करके, इस गुण का यूज करके हम क्या करते हैं, इसको निकालते हैं, इस तरह के क्वेश्चन को निकालते हैं। अब यहाँ पे देखिए, आपको यह है कॉस इतना दे रखा है तो आप इसमें क्या करेंगे, कॉस माइनस इतना प्लस करेंगे। अब यहाँ पे 360 की नियरेस्ट वैल्यू आपको ऐड करनी है, इसमें 360 इंटू समथिंग जो भी करोगे उसको आपको ऐड करना है। और यहाँ पे देख रहे हैं इसके नियरेस्ट जो आ रहा है 5 का मंडला है, 360 में करने पर इसका नियरेस्ट बन रहा है, जो भी आपका मंडला करके नियरेस्ट बने तो इसको इतना करके हमारा क्या आ रहा है, यहाँ पे देखिए ये हमारा जो है इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारा 90 डिग्री आ जा रहा है, 90 डिग्री आ जा रहा है, और 90 डिग्री हमें जो है अंदर का आ रहा है और बाहर से ये केवल अंदर का 90 डिग्री आ रहा है, तो इसलिए हमारा जो है कॉस 90 डिग्री इक्वल टू 0 आ जाएगा, क्योंकि हमें पता है कि हमारा जो कॉस 90 की वैल्यू होती है वो 0 होती है, तो इसलिए इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इसका आंसर 0 हो जाएगा। तो ये फर्स्ट हमारा जो है क्वेश्चन का सोल्यूशन हो गया। अब सेकेंड क्वेश्चन हमें दिया है, देखिए हमें इसमें भी वही करना है, अब यहाँ पे प्लस है तो हमें यहाँ पे माइनस करना पड़ेगा 360 का, और नियरेस्ट जो है हमारा उसका लेना पड़ेगा हमें। अब देखिए 765 के नियरेस्ट जो है 360 का कौन सा मल्टीपल होगा, 36 × 72 720 जो है इसके नियरेस्ट है, तो हम यहाँ पर करते हैं साइन 765 माइनस 2 × 360, तो हमें यहाँ पर मिलता है साइन 765 माइनस 720, तो 720 सबस्ट्रैक्ट किया तो हमारा आ गया साइन 45 आ गया, तो साइन 45 का आपको पता है वैल्यू कितनी होती है, 1/√2, तो ये हमारा जो है इसका आंसर हो गया। तो हमें कुछ नहीं करना है, हमें केवल 360 का मल्टीपल जो है उसके करीब नियरेस्ट से जोड़ या घटा देना है, जिससे हमारी जो है 90 के अंदर वैल्यू आ जाएगी, और 90 के अंदर की वैल्यू की हमें जो है साइन के कॉस के इस तरह के हमें जो है मान पता होते हैं और इजीली हम इसको निकाल लेंगे।
अब यहाँ पे देखिए रेडियन में दिया है हमें यहाँ पे एंगल। इस तरह क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, साइन हमें जो है अब यहाँ पे हमें पता है, यहाँ पे हमें पता था कि 360 का हमें एड और सबस्ट्रैक्ट करने का कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो हम 360 को यहाँ पर रेडियन में क्या लिखते हैं, पाई लिखते हैं, क्योंकि हमें पता है कि पाई इक्वल टू 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यदि हम पाई को एड सबस्ट्रैक्ट करके बनाए यहाँ पर इसी फ्रिक्शन को तोड़ दें पाई के अकॉर्डिंग, तो हमारा जो है आंसर सही आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए हमने क्या इस 31π/3 को क्या लिख सकते हैं, हम यहाँ पे 31π/3 को 10π + π/3 ये लिख सकते हैं। हमने क्यों लिखा, क्योंकि हम जानते हैं कि 10π हमारा क्या है, होल नंबर है यहाँ पे। 10π करेंगे आप, या इसको 10π को आप क्या लिख सकते हैं, 10 को 2 × 5π, या आप कह सकते हैं 5 × 2π, 2π अर्थात 360 × 5। तो इससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपके वैल्यू में, तो आप इसको हटा दीजिए, अब इसके वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ना, तो इसको आप निकाल दीजिए, आउट कर दीजिए यहाँ पे। तो साइन आपका जो बचा पाई बाई थ्री, और पाई बाई थ्री आप जानते हैं कि डिग्री में 60 डिग्री होता है, साइन 60 डिग्री की वैल्यू आ जाएगी √3/2। तो ये आपका जो है इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। तो इस तरह से आप और भी बहुत सारे क्वेश्चन ले सकते हैं। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, हम आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में। ओके, थैंक्स।